हेलो जी, राम राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज है 9 अक्टूबर 2022 और स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग पे। दोस्तों आज का ब्लॉग बहुत खास होने वाला है, क्योंकि खास इसलिए 4 दिनों से बारिश हो रही है लगातार, और बारिश में मेरे पास आपको दिखाने के लिए कुछ खास है नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक पुरानी वीडियो मेरे पास पड़ी है हमारे क्षेत्र सोमेश्वर घाटी की। वो वीडियो मैंने जब हमारा एक गाना आया था उस टाइम वो वीडियो हमने शूट किया था, तो उसी को मैंने वॉइस ओवर करवाया है अपने दोस्त से। तो वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, और उस वीडियो के माध्यम से मैं अपने सोमेश्वर क्षेत्र के बारे में आपको बहुत कुछ बताना चाहूँगा, यहाँ की सुंदरता दिखाना चाहूँगा। तो दोस्तों वो वीडियो देखिए और कमेंट करके बताना ज़रूर कि हमारी घाटी, आपको सोमेश्वर घाटी कैसी लगी, क्या आप यहाँ पर घूमने आना चाहेंगे या फिर नहीं। आओ कभी सोमेश्वर, और जब आना तो मत भूलना चौराहे के पास नेकी जी की चाय पीना, तल्ली बाजार के मालपुए और लोत में भटके टुपके खाना। जब आना सोमेश्वर तो थोड़ा टाइम निकाल कर आना, क्योंकि यहाँ आकर जरूरी हो जाता है एक बारी लोद चौड़ा और उदयपुर में गोलियोज महाराज के दर्शन करना। भतिनेश्वर, पिनाथेश्वर और रुद्रधारी जाने से पहले सोमेश्वर सोमनाथ में भोले बाबा को जल चढ़ाना। चनौदा के गांधी आश्रम से लेकर कौसानी में जन्मे कवि सुमित्रा नंदन पंथ जी के घर तक जाना। इसलिए जब भी आना थोड़ा टाइम निकाल कर आना, क्योंकि सोमेश्वर घाटी में जितने भी गांव हैं हर गांव की एक कहानी है। कहीं दहेज का पानी तो बद्रीनाथ जी की निशानी है। 4 दिशाओं में फैली ये घाटी कुछ खास है। यहाँ के खेत गांव मंदिर सब कुछ दर्शनीय है। इसलिए मेरे दोस्त, जब भी सोमेश्वर आना जरा फुर्सत से आना। हिट मेरी लाटी सोमेश्वर घाटी, अपना मुलुका अपने माटी। चल मेरी लाटी सोमेश्वर घाटी, अपना मुलुका अपने माटी। सोमेश्वर शिव मंदिर जूला, सोमनाथ जू दर्शन करियोला। सोमेश्वर शिव मंदिर जूला, सोमनाथ जू दर्शन करियोला। तो दोस्तों ये थी हमारी सोमेश्वर घाटी पी बैरल नाम के एक बहुत फेमस घुमक्कड़ ने सन 1936 के आसपास शायद कहा था कि ये सोमेश्वर घाटी जो है एशिया की सबसे सुंदर घाटी है। आज तक मैंने इतना ट्रैवल किया है लेकिन इतनी सुंदर जगह मैंने कहीं नहीं देखी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको हमारी ये सोमेश्वर घाटी अच्छी लगी होगी। तो आज का ब्लॉग करते हैं समाप्त। मुझे उम्मीद है जल्दी से बारिश थम जाए और मैं आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग दिखा पाऊँ। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नए ब्लॉग के साथ कल सुबह 8 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, बस बारिश बंद हो जाए।